बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह आज पहला रोज़ा और सुबह धूप बहुत ज़्यादा निकली हुई थी और अभी अल्हम्दुलिल्लाह मौसम ठंडा हो गया, आसमान पे बादल आ गए हैं और अभी हम अफ्तारी की जो है वो तैयारी करने लगे हैं। तो टाइम तकरीबन जो है वो 3 का हो गया। पकौड़े बनाएँगे और पकौड़ों के लिए यहाँ से ताज़ा हम सब्ज़ धनिया और पालक ले जाते हैं। खेत थोड़ा थोड़ा गीला, इसलिए चलने में थोड़ी एहतियात बरत रहे हैं। तो सब्ज़ धनिया जब भी चक्कर लगता खेतों का ले जाते हैं, क्योंकि क्या खा रहे हो आप? क्या खा रहे हो? पक्की जोड़ रहे हो बाबा? इधर आओ, क्या खा रहे हो? पक्की जोड़ रहे हो बाबा? किसने कहा पक्की जोड़ रही? मामा ने कहा। तो अभी हम बनाने लगे हैं कद्दू और चिकन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कुकिंग ऑयल डाल ली है, प्याज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो प्याज जो है वो हल्का सा ब्राउन हो गया, बिल्कुल थोड़ा सा सुनहरा करना था, कर लिया। अभी हम लहसुन और अदरक का पेस्ट डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लहसुन अदरक भुन गया, टमाटर, सब्ज़ मिर्च, तभी हल्दी पाउडर और लाल मिर्च का पाउडर ये शामिल किया। अभी चिकन शामिल कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन को भी हमने अच्छे तरीके से धो लिया। अभी चिकन को सही तरह भूनेंगे। रमज़ान में स्पेशली अफ्तारी की जो तैयारी होती है ये बिल्कुल भी आसान काम नहीं होता, और ये जितनी भी हमारी बहनें माएँ इस काम को करती हैं वही जानती हैं, या हम लोग इस फील्ड में तो हम जानते हैं कि स्पेशली जब रोज़ा हुआ आपका और अफ्तारी के टाइम पे कुकिंग करनी थोड़ा मुश्किल काम ही होता है, आपके आगे बैठना, वो भी गर्मियों के अंदर स्पेशली। तो जितने भी हमारी बहनें माएँ ये काम करती हैं उन सबको सलाम है हमारा, और ये बिल्कुल ही आसान काम नहीं होता, इसलिए जितने भी हमारी माएँ बहनें ये काम करती हैं उनको बहुत बहुत सलाम है हमारी तरफ से। मैं बना रहा हूँ पकोड़े और साथ मुकल्लफ भाई जो हैं इनको मैंने कहा है कि सरदाई जो है वो बना रहे। सही
समझ रहे हैं, अभी हम कद्दू शामिल करेंगे। चिकन जो है वो भुन गया सही तरह, और अगर आप चाहें तो कद्दू को लैदा से भी उबाल सकते हैं, लेकिन कद्दू हमारा जो है ये नरम है और ये इसके अंदर भी आसानी के साथ जो है वो गल जाएगा। तो अगर आपके पास थोड़ा सख्त हो कद्दू तो आप उसे लैदा से भी उबाल सकते हैं, और लैदा से उबाल के फिर इसी स्टेज पे शामिल करना। पकौड़े बनाने के लिए आलू कटिंग कर लिया और पालक, और ये चीज़ें जो हैं ये अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा आप कर सकते हैं, जो आपको ज़्यादा पसंद है वो ज़्यादा डाल सकते हैं और जो आप कम डालना चाहें वो कम डाल सकते हैं। सब्ज़ धनिया भी डाल देते हैं, और पालक डाल रहे हूँ तो सब्ज़ धनिया बाज़ औक़ात ना भी डालें तो बड़े मज़े के बन जाते हैं, लेकिन चूँकि हमारे पास सब्ज़ धनिया है तो हम ये डाल लेते हैं। प्याज ये डालते हैं, और साथ ही सब्ज़ मिर्चा थोड़ी बारीक कटी हुई ये भी डाल लेते हैं। तो बेसन जो है उसको अच्छे तरीके से छान लिया, छानना ज़रूरी होता है बेसन को, तो ये शामिल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कनाली छोटी पड़ रही थी, बर्तन चेंज कर लेते हैं। अभी हम डालेंगे नमक, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च, अगर आपके पास दादड़ मिर्च हो कुटी हुई लाल मिर्च तो वो ही डालिएगा। तो कुटा हुआ खुश्क धनिया भी शामिल करते हैं, पानी, और इसको हमने रखना सख्त है, ज़्यादा पतला नहीं करना, ये जो हम बेसन तैयार कर रहे हैं। कद्दू जो है ना ये सही तरह भुन गया और नरम हो गया, अभी थोड़ा सा हम पानी डालेंगे और अभी इसको ढाँप देते हैं हम हल्की आंच के ऊपर, और ये कद्दू में जो रहती सहती कसर है वो इंशाल्लाह इस पानी से बिल्कुल निकल जाएगी और सही तरह ये गल जाएगा। और जो ज़्यादा खुश्क नहीं हमने करना सालन को, थोड़ा ऐसे ही रखेंगे। तो अभी सब्ज़ धनिया थोड़ा सा डाल देते हैं, और चूँकि सब लोगों के रोज़े हैं तो इसलिए गरम मसाला हम नहीं शामिल करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह कद्दू हमारा बहुत अच्छे तरीके से गल गया। अभी पकोड़े बना लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह पकौड़े बड़े मज़े के बन रहे हैं। वो बना तकरीबन 10 मिनट रह गए हैं रोज़े की इफ्तारी में, और सारी चीज़ें हमारी अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गई हैं। बहुत भाग दौड़ की है,
ये जो सरदाई है ये भी तैयार हो गई है। तो अभी हम लोग इसमें थोड़ा सा रूह अफज़ा शामिल करने लगे हैं। हम लोग अक्सर कर लेते हैं तो उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। लेंगे थोड़ा सा और कर लेते हैं बस। ये अफ्तारी की आपसे शेयर कर रहे हैं, खरबूजे हैं, रायता और ये सालन है, कद्दू और चिकन, खजूर, नमक रखा हुआ साथ, पकोड़े और सरदाई जो हमने तैयार की थी। तो 5 मिनट रह गए हैं रोज़े की अफ्तारी में और अल्हम्दुलिल्लाह सारी फैमिली जो है वो दस्तरखान के ऊपर है और अभी दुआ की है और इंतज़ार हो रहा है जैसे ही अफ्तारी होती है तो अफ्तारी करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अजान हो गई है और अफ्तारी हमारी हो गई है। खाना किसी ने भी नहीं खाया, बस जो फ्रूट था वो खाया थोड़ा बहुत और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिया और एक आध पकौड़ा। तो अभी नमाज पढ़ेंगे और उसके बाद खाना खाएंगे। तो ये थी आज की वीडियो और ऐसे सारी फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह बैठ के अफ्तारी करती है। तो यही थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा वीडियो को और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए दिन के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।